Hello viewers, so here we are back with new pod system devices Lux Q2 and Lux Q2 SE by Vaporesso. So, आज की इस वीडियो में जी अनबॉक्स करने लगे हैं Vaporesso की रिसेंटली लॉन्च डिवाइसेज। ये Vaporesso की पॉड सिस्टम डिवाइसेज हैं, सो वो लोग रेडी हो जाएं जो अभी रिसेंटली वेब पे मूव हुए हैं, या वो लोग जो स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, मतलब सिगरेट छोड़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमें वेब पे शिफ्ट होना चाहिए। सो उनके लिए ये वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वो कैसे, वीडियो में आगे चल के आपको बताता हूँ। और दूसरे वो लोग जो Vaporesso लवर्स हैं, जो Vaporesso की लुक्स क्यू सीरीज को जो है ना काफी फॉलो करते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो भी एक गिफ्ट के तौर पर है, ठीक है। सो ये भी Vaporesso की Lux Q सीरीज की डिवाइसेस हैं, Lux Q2 और Lux Q2 SE। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और जल्दी से जाइए इसकी स्पेसिफिकेशन और इसकी टेक्नोलॉजीज और इसकी अनबॉक्सिंग देख के जल्दी से वापस आइए, फिर इनसे रिलेटेड आपको सब कुछ बताते हैं जी। सो ये रही गाइस अपनी Vaporesso Lux Q2 और Q2 SE की पैकेजिंग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये Q2 SE की पैकेजिंग है, यहाँ पे अपनी Q2 SE है, यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजीज और बैक पे इसके स्पेसिफिकेशन और पैकेजिंग लिस्ट का बताया गया है, ठीक है, पॉज करके रीड कर लीजिएगा। सो इस साइड पे हमारी Vaporesso Lux Q2, तो यहाँ पे हमारी डिवाइस और उसके बाद यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजीज और टेक्नोलॉजी के बाद स्पेसिफिकेशन और पैकेजिंग लिस्ट। सो यहाँ पे जी जल्दी से करते हैं अनबॉक्स। अनबॉक्स जो है ना हम सबसे पहले Q2 SE को करेंगे। सो यहाँ पे Q2 SE को कर दिया जी अनबॉक्स। अनबॉक्स करने के बाद यहाँ हमें जो है ना एक टाइप सी की चार्जिंग केबल देखने को मिलती है, उसके बाद हमारे पास एक Vaporesso का लैनयार्ड आ जाता है जी, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक यूजर मैनुअल कार्ड आ जाता है, और सबसे लास्ट पे जो है ना अपनी प्यारी सी डिवाइस Q2 SE यानी Q2 SE। सो यहाँ पे डिवाइस की तरफ बढ़े तो सबसे पहले हमारे पास एक पोर्ट आ जाता है जी। ये पोर्ट आप लोग देख सकते हैं Lux Q2 Vaporesso, ठीक है, 0.8 का पोर्ट है, ठीक है, ये न्यू पोर्ट आए हैं 3 ml कैपेसिटी के साथ हैं, ठीक है, ये जो है ना साइड रिफिलिंग पोर्ट है, नीचे से जो है ना इन्हें रिफिल किया जाता है, और यहाँ पे नीचे जो है ना हमारे पास इसके मैग्नेट्स भी और जो एजेक्टर्स हैं वो मतलब एक साथ ही दिए गए हैं, और यहाँ पे जो है ना इनका एयर फ्लो भी हमें जो है ना देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद हमारी डिवाइस की तरफ बढ़े तो यहाँ पे देखें हमारी डिवाइस में जो है ना मटेरियल इस्तेमाल किया है वो डबल है, यहाँ पे ऊपर जो है ना मेटल का स्ट्रॉन्ग मेटल और नीचे जो है ना एक्रोलिक का मटेरियल है, उसके अंदर Vaporesso की जो है ना स्ट्रिप्स ही बनाई गई हैं, ठीक है, पूरी डिवाइस के ऊपर काफ़ी प्यारी लुक दे रही हैं ये, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम लोग नीचे की तरफ बढ़े तो टाइप सी की पोर्ट दी गई है, 1000 mAh के साथ ये बैटरी आती है, और इसकी जो चार्जिंग है वो 1 ampere है, इसमें फास्ट चार्जिंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद इस तरफ हम बढ़े तो यहाँ पे इसकी एक LED दी गई है, उसके बाद Lux Q2 SE, ठीक है, ये इसकी ब्रांडिंग है, यहाँ पे Vaporesso की ब्रांडिंग, ये नॉर्मल से जो इसके एयर फ्लो है एक साइड पे ही है, इस साइड पे मतलब पोर्ट को जो है ना आप इस तरफ से डालेंगे तो ये एयर फ्लो अच्छा होगा, और अगर आप इसको इस तरफ करके डालेंगे तो फिर भी जो इसका एयर फ्लो होगा वो टाइट होगा, ठीक है। सो अभी बढ़ते हैं Lux Q2 की तरफ। सो यहाँ पे हमारी आ गई ये Q2, ठीक है, ऐसे भी करते हैं अनबॉक्स। सो यहाँ पे कर दिए जी डिवाइस को अनबॉक्स। अनबॉक्स करने के बाद जो है ना साथ में पार्टीशन है, पार्टीशन के अंदर एक टाइप सी की चार्जिंग केबल देखने को मिलती है, उसके बाद एक हमें पोर्ट देखने को मिलता है, उसके बाद हमारे पास एक यूजर मैनुअल कार्ड आ जाता है जी। इसके अंदर जो है हमें लैनयार्ड देखने को नहीं मिलता, लैनयार्ड SE के साथ ही आता है, ठीक है, Q2 के साथ नहीं आता। तो यहाँ पे आ गई है जी हमारी प्यारी सी डिवाइस। सो इसके अंदर जो पोर्ट है वो है जी हमारे पास 0.6 का, आप लोग देख सकते हैं 3 ml कैपेसिटी के साथ। इन दोनों के पोर्ट में मैं आपको फर्क बता दूं, ये ऑरेंज स्ट्रिप्स में मतलब ऑरेंज कलर में, ये रेड में है, और उसके बाद जो थर्ड आया है वो है जी हमारे पास ब्लैक में, और ये तीनों डिफरेंट पोर्ट्स हैं। जो पुराने वाले पोर्ट्स हैं वो टॉप अप रिफिलिंग है, मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। सो ये पोर्ट सारे के सारे अलग हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो है ना हम लोग अपने पोर्ट को कर लेते हैं फुल, इसे जो है ना मैं फ्री बेस से ही फुल करूंगा। तो यहाँ पे पोर्ट को कर लिया है जी फुल। पोर्ट मुझे काफ़ी हद तक जो है ना बहुत ही मज़े के लगे हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल क्लियर कलर में आते हैं, ठीक है, तो मुझे क्रिस्टल क्लियर वाले जो है ना पोर्ट ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और दूसरी बात, इनकी जो है विंडो लिक्विड है वो भी नहीं है, तो इस पोर्ट के अंदर से आप जो है ना लिक्विड की क्वांटिटी आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस स्टिकर को रिमूव नहीं करते, ठीक है। और दूसरी बात, हम डिवाइस के अंदर देख लेते हैं, मेड इन चाइना लिखा हुआ है, 2 ejectors और 2 magnets, और काफ़ी मतलब क्लियर है, और ये मेटल की अंदर से बनी हुई है, इसके अंदर जो है ना रबड़ सिर्फ कनेक्शन है वहाँ ही रबड़ दी गई है, अदरवाइज रबड़ नहीं है।
सो यहाँ हम अपनी जो है ना पॉड को कर देते हैं इन। ठीक है, पॉड को इन करने के बाद यहाँ पे देखें तो सबसे ऊपर जो बॉडी का पार्ट है वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है जिसके ऊपर लॉक्स क्यू 2 लिखा हुआ है। उसके बाद जो है ना बहुत ही प्यारी लेदर में जो है ना अपनी डिवाइस आ जाती है, मतलब अच्छी ग्रिप के साथ आती है ये डिवाइस। तो लेदर के अंदर ही यहाँ पे एक एलईडी की स्ट्रिप दी गई है, मतलब यहाँ पे एलईडी है। तो उसके बाद अगर हम लोग नीचे की तरफ बढ़े तो यहाँ पे 1000 mAh बैटरी है, ठीक है, 2 एम्पियर फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। तो उसके बाद अगर हम इसकी बैक साइड की तरफ बढ़े तो यहाँ पे बहुत ही प्यारी वेप्रेसो की ब्रांडिंग दी गई है, ठीक है, लेदर के अंदर ही आप लोग देख सकते हैं। सो ये साइड इसकी खाली है। सो यहाँ पे माई मोस्ट फेवरेट थिंग आपको पता है क्या है जी, एयर फ्लो। सो इसका एयर फ्लो आप एडजस्ट कर सकते हैं, नॉर्मल, हाई और फुल, मतलब जितना आपको खोलना हो उस हिसाब से आप इसका एयर फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की पैकेजिंग और अनबॉक्सिंग और डिवाइस से रिलेटेड आपको बता दिया है। सो अभी इन दोनों में फ़र्क भी बताते हैं, इन दोनों का स्मोक भी चेक करके बताते हैं। सो चलते हैं बैक कैम की तरफ, इनकी हार्डनेस और स्मूथनेस से रिलेटेड आपको बताते हैं जी। सो लेट्स गो बेबी। सो वेलकम बैक हो गया जी, आप लोग आ गए इसकी अनबॉक्सिंग लिस्ट देख के, इसकी पैकेजिंग लिस्ट देख के। आप लोगों ने देखा इसके साथ क्या क्या कुछ इंक्लूड है। सो सबसे पहले हम लोगों ने पोर्ट पे बात करनी है, सो पोर्ट से ही स्टार्ट करते हैं। इसके जो न्यू पोर्ट आए हैं वो 3 ml कैपेसिटी के साथ आए हैं, ठीक है, और 3 टाइप की जो है ना रेजिस्टेंस है जिसमें 1.0, 0.8 और 0.6 है, ठीक है। और जो पुराने पोर्ट है जो टॉप रिफिलिंग है वो भी इसमें कंपेटेबल है, लेकिन वो 2 ml कैपेसिटी के साथ आते हैं और उनमें जो है ना 4 टाइप्स की रेजिस्टेंस है। और इन पॉड्स के अंदर कोरेक्स हीटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई गई है, वो ही टेक्नोलॉजी जो एक्सरोस 3 में, एक्सरोस 3 मिनी में और मोस्टली जो वेप्रोसो की जो है ना रिसेंटली लॉन्च डिवाइसेस हैं उनमें ही देखने को मिलती है, जो फ्लेवर को 50% लॉन्ग लास्ट करती है, वही टेक्नोलॉजी इनके पॉड में भी इंट्रोड्यूस है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए इसके एंटी लीकिंग होने की, तो इसमें जो है ना SSS एंटी लीकिंग टेक्नोलॉजी है। ये एंटी लीकिंग होने के साथ साथ जो है ना मतलब डिवाइस को अंदर से जो है ना कचरा होने से भी बचाते हैं, मतलब डिवाइस अंदर से कचरा भी नहीं होती, ठीक है। सो इसके बाद बात की जाए इनके एयर फ्लो की, तो एयर फ्लो जो है ना सिर्फ और सिर्फ लॉक्स Q2 में ही देखने को मिलता है, जबकि Q2 SE में नहीं है, जस्ट बेसिक सा एयर फ्लो है, ठीक है। उसके बाद इसकी बॉडी की बात की जाए तो इसमें बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की डीलक्स, मतलब प्रीमियम क्वालिटी से कह सकते हैं, या ड्यूलक्स जो वेप्रेसो कह रही है कि ड्यूलक्स लेदर है, बहुत प्यारा लेदर इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ठीक है। इसमें 5 कलर्स हैं, ठीक है। और इस तरफ अगर बात की जाए तो SE में लेदर नहीं है, जस्ट नॉर्मल बॉडी है एल्यूमिनियम और उसके बाद नीचे एक्रोलिक, लेकिन ये डिवाइस भी देखने में काफी प्यारी है और गुड लुकिंग है, ठीक है। और इसमें जो है ना 8 कलर्स आते हैं। अगर उसके बाद बात की जाए इनकी बैटरी की, तो दोनों में जो है ना 1000 mAh बैटरी आती है, लेकिन जो बड़ी डिवाइस है वो फास्ट चार्जिंग है, मतलब 30 मिनट चार्ज करके आपको इसको जो है ना 48 आवर्स वेपिंग कर सकते हो, लेकिन ये डिवाइस भी 48 आवर्स आप लोग इसकी भी वेपिंग कर सकते हैं, लेकिन इस डिवाइस में क्या है कि फास्ट चार्जिंग नहीं है, 1 एम्पेयर चार्जिंग के साथ आती है, और लॉक्स Q2 जो है ना ये 2 एम्पेयर चार्जिंग के साथ आती है, तो ये फास्ट चार्ज सपोर्टेड है, ये फास्ट चार्ज सपोर्टेड नहीं है। और उसके बाद बात की जाए इनके चिपसेट की, तो इनके अंदर जो है ना ऑक्सन का चिपसेट आता है, वही चिपसेट जो है ना पहले हम लोगों को जो है ना वेप्रोसो में देखने को मिला है, वही ऑक्सन का चिपसेट आता है, मतलब काफी अच्छे फीचर्स के साथ और काफी सारी सेफ्टीज के साथ, जो आपकी जो है ना डिवाइस को लॉन्ग लास्ट चलाता है और आपकी जो है ना प्रोटेक्शन करता है, मतलब आपकी डिवाइस की भी और आपकी भी, दोनों की जो है ना प्रोटेक्शन करता है। उसके बाद इसके साथ फ्री लैनयार्ड आता है SE के साथ, और Q2 के साथ फ्री लैनयार्ड नहीं है, ठीक है। उसके बाद इनके अगर साइज की बात करें तो मिलीमीटर का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूं जूम करके, ठीक है। आप लोग अगर साइज देखें तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा फर्क है, Q2 जो है ना थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, और SE जो है ना थोड़ी सी छोटी है, इतना ज्यादा फर्क नहीं आता है इनमें, ऑलमोस्ट सेम है, विड्थ भी सेम है, और उसके बाद जो इनके बॉटम है सेम है, मतलब साइज में भी ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। सो इससे रिलेटेड अभी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। मैंने आपके सामने जो है ना 3 ml लिक्विड डाला था, लेकिन दूसरे पोर्ड में जो है ना मैंने क्या कहते हैं सॉल्ट नेक भी डाल दिया है, तो एक में फ्री बेस है, ठीक है, दूसरे में सॉल्ट नेक है, तो पहले सॉल्ट नेक वाली ट्राई करते हैं, इसमें फ्री बेस भी सॉल्ट नेक भी ट्राई करते हैं और इसमें भी फ्री बेस सॉल्ट नेक ट्राई करते हैं और देखते हैं स्मोक कितना बनता है। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है क्योंकि स्मोक चेक करना है, ठीक है। सो आप लोग वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। सो सबसे पहले हम लोगों ने एयर फ्लो खोल दिया, यहाँ पे हम लोग सॉल्ट नेक यूज करेंगे, ठीक है, और देखेंगे इसका स्मोक कितना बनता है।
सो आप लोगों के सामने अभी मैंने स्मोक किया, ठीक है, सॉल्ट निक डाल के, ठीक है, एयर फ्लो खोल के अच्छा खासा स्मोक बनता है, ठीक है। सो अभी स्पॉट को चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फ्री बेस लगाते हैं, फ्री बेस लगा के एयर फ्लो ओपन है। अभी इसका दोबारा स्मोक देखते हैं, इसका स्मोक कितना बनता है। पहले मैं इसको माउथ टू लंग्स कर रहा था, अभी मैं इसको RDL करूंगा, मतलब रजिस्टर डायरेक्ट टू लंग्स। I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface, it makes me nervous. तो आपके सामने इसका स्मोक मैंने टेस्ट किया, ठीक है, आप लोगों ने देखा इसका स्मोक कितना बनता है, ठीक है, मतलब सब कुछ आप लोगों के सामने शेयर किया। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा, ये टाइट माउथ टू लंग्स डिवाइस है, ठीक है। फ्लेवर की अगर बात की जाए, फ्लेवर बहुत अच्छा देती है, लेकिन अगर इसके स्मोक की बात की जाए, स्मोक भी अच्छा देती है, लेकिन अगर आप लोग जो है ना सॉल्ट निक यूज करेंगे, मैं फ्री बेस के लिए ये रिकमेंड नहीं करूंगा, RDL और MTL के लिए मैं इसको जो है ना रिकमेंड करूंगा, ठीक है। तो अभी हम SE को ट्राई करते हैं, ठीक है, इसमें पहले सॉल्ट निक डालते हैं, ठीक है, इसका तो एयर फ्लो है नहीं, तो इसे जस्ट सॉल्ट निक डाल के यूज करते हैं, फिर उसके बाद फ्री बेस डाल के यूज करेंगे। सो अभी आप लोगों के सामने इसको मैंने माउथ टू लंग्स किया है, अभी इसका RDL चेक करते हैं, ठीक है, इसमें फ्री बेस लगा के, ठीक है, तो इसका RDL चेक करते हैं, देखते हैं इसका स्मोक कितना बनता है। So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. अगर RDL की बात की जाए तो इसमें RDL जो है ना 100% वर्क करता है, बनिस्बत लुक्स Q2 की, इसकी नस्बत इसमें RDL बहुत अच्छा वर्क करता है। इसमें जो है ना अगर आप फ्री बेस यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लुक्स Q2 में जो है ना आप फ्री बेस यूज नहीं कर सकते। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर इन दो डिवाइसेस के रेट की बात की जाए तो इन दो डिवाइसेस में से इसको मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा, क्योंकि इसकी फिनिशिंग, इसकी लुक और इसका जो लेदर का टच है बहुत ही प्यारा है। इसको जो है मैं 9 नंबर दूंगा, क्योंकि ये पुरानी लुक्स क्यू की तरह ही है, ऑलमोस्ट सेम ही है, एक कॉमन डिवाइस की तरह, ठीक है, कोई इतना ज़्यादा इसे जो है ना डिज़ाइन नहीं किया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर इनके प्राइस रेंज की बात की जाए तो ये डिवाइस आई थिंक 100-110 दरहम के दरमियान आएगी, मतलब 100 तक आएगी, ठीक है, लुक्स Q2 SE। अगर दूसरी तरफ हम लोग लुक्स Q2 की बात करें तो ये डिवाइस जो है ना 130-140 दरहम के दरमियान आएगी। इनको जो है ना अपनी करेंसी के हिसाब से डिवाइड मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कि कितने पैसे बनते हैं। अगर पाकिस्तानी करेंसी की बात की जाए तो ये डिवाइस 5000 या 6000 के लगभग आएगी। अगर दूसरी तरफ लुक्स Q2 की बात की जाए तो ये डिवाइस पाकिस्तान में 6000 से ऊपर की मिलेगी, 6500, मतलब 7000 तक भी जब ये न्यू आएगी, ठीक है। सो आई थिंक लुक्स Q2 SE और लुक्स Q2 से रिलेटेड जितनी भी बातें थी मैंने आपके साथ शेयर की, आपको पसंद आई होगी। अगर इनसे रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे DM कर सकते हैं। जो लोग फॉलो करके DM करेंगे उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। सो आई होप ये मज़ेदार सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो स्मोकिंग छोड़ के वेब पे मूव होना चाहते हैं। सो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।